एंड ये मेरा कैनवा का इंटरफेस है। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब जो मैंने मैजिक कहा था वो मैजिक इस तरह से कि मैं वो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी एन स्प्लैश में वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एन स्प्लैश लिखा एंड ये फर्स्ट लिंक पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग से रिलेटेड कुछ इमेजेस मुझे यहाँ पे शो होंगी। जी मैंने बुक रीडिंग कर ली। अब देखिए कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन की अच्छी सी इमेजेस हैं यहाँ पे। तो मैं किसी भी एक इमेज पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो रीडिंग पर्सन की इस इमेज में क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। एक ये मैं कर लेता हूँ एंड एक ये भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है अगेन मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन बनाने में अगर आपको 15 से 20 मिनट लगता है आधा घंटा लगता है तो रिसर्च में आपके 2-2.5 घंटे लगने चाहिए। और ये एक इफेक्टिव डिज़ाइन की निशानी है और एक अच्छे डिज़ाइनर की आदत है कि वो रिसर्च में ज़्यादा टाइम लेता है। ये इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ। 3 इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। मैं कुछ नहीं कर रहा मैं सिंपल अपने कैनवा में आ रहा हूँ। ये मैंने अपना कैनवा ओपन किया। अब आपके सामने ये सिंपल इंटरफेस आएगा। आपने कुछ नहीं करना है आपने जाना है इस अपलोड वाले बटन पे। अपलोड वाले बटन पे जाएं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अपलोड योर ओन फोटोज डॉक्यूमेंट फाइल एंड वीडियोस टू वर्क विथ वी विल ट्रांसफॉर्म देम इनटू समथिंग फुली कस्टमाइजेबल फॉर यू टू एडिट रीडिजाइन एंड कोलेबरेट ऑन। अब एक चीज़ याद रखें हम डिज़ाइन बनाने से पहले इंस्पिरेशन लेते हैं आइडियाज़ लेते हैं आइडियाज़ जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे कैनवा का अपना जो AI सिस्टम है वो आपको अलाउ करता है कि आप इसको कोई एक इमेज दे और ये उस इमेज को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स में ऐड करके आपको एक इंस्पिरेशनल जो है पोज शो करे क्रिएटिव शो करे फिर आप उसमें मजीद अपनी एडिटिंग कर सकें। तो मैं सिंपल मैंने अपलोड पे क्लिक किया फिर मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। अब डाउनलोड फोल्डर में जो मैंने बुक रीडिंग की इमेजेस ली थी उनमें से मैं एक पे क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैजिक ट्रिक है देखें। अब ये मुझे बोल रहा है जोनाथन बोरबोरा ये इसकी इमेज का नेम है। यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है 4K हाई रेजोल्यूशन है। आप इसका कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं आप एड टू टेम्पलेट करना चाहते हैं मैं इसको एड टू टेम्पलेट करना चाहता हूँ क्लिक कर देता हूँ इस पर। एड टू टेम्पलेट से क्या होगा कि कैनवा के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट होंगे ये उसमें एडजस्ट होके मुझे शो होने लगेगा। ये लोड हो रहा है यहाँ पे देखें ये लोड हो रहा है। दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा रात के टाइम इंटरनेट स्लो हो जाता है जिस वजह से ये इस तरह से टाइम ले रहा है अदरवाइज इतना टाइम लेता है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है ट्राई मैजिक डिज़ाइन बेटा इंस्पायरिंग टेम्पलेट क्राफ्टेड विथ योर मीडिया। माने मेरे मीडिया से ही कुछ डिज़ाइन यहाँ पे क्राफ्ट किया जा रहा है। इसकी कैश क्लियर कर देता हूँ। अजय भाई कितनी देर लगा रहे हो। चलें जी हो गया आखिरकार। अच्छा अब ये देखिए ये मेरी वो एक इमेज थी यहाँ पे देखा गौर कीजिएगा।
मैं उस इमेज को भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मेरी सिंपल इमेज है बुक रीडिंग वाली। अब मैं तो कैनवा में यहाँ भी देखें क्रिएटेड फ्रॉम योर मीडिया, यहाँ पे ये एक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कस्टमाइजेबल में। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज टेम्पलेट, मैंने यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ, ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, कुछ फर्दर इसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ये इंस्टाग्राम का टेम्पलेट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का एक और टेम्पलेट यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाउ टू मैनेज वर्क इन पे, मीन्स मेरी मीडिया से इन्होंने अपने टेम्पलेट को इंटीग्रेट करवा के कुछ एक अट्रैक्टिव से डिज़ाइन यहाँ पे मेरे इंस्पिरेशन के लिए ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, और ये योर स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी कह सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस कह सकते हैं, सेम डायमेंशन है देखें यहाँ पे उस एक इमेज से। और ये इंस्टाग्राम अगेन पोस्ट, थैंक यू फॉर 50K फॉलोअर्स, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि रीडिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड लीडर आर गुड रीडर्स, इस तरह की कोट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे देखें। ये कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ये फेसबुक पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इमेज को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन हम अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पे ये अगेन एक पोस्ट, मीन्स मेरे उस एक मीडिया से इसने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टेम्पलेट जनरेट कर दिए। अब यहाँ पे कुछ और इमेज में लेके देखता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ अपलोड सेक्शन में, चूज फाइल, अब एक और इमेज यहाँ पे लेता हूँ। एंड इस बार मैं ये वाली लेता हूँ, एड टू अ टेम्पलेट यूज इन अ न्यू डिजाइन, मतलब ये इमेज मेरे पास कैनवास में ओपन हो जाएगी इस डायमेंशन के साथ। एड टू अ टेम्पलेट मतलब कैनवा के अपने जो टेम्पलेट्स होंगे उसमें ये ऐड हो जाएगा, उसमें ये पेस्ट हो जाएगा, उसमें इंटीग्रेट होके मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स में शो होगा। और ये मैजिक था जो मैं कल आपको बताने वाला था कि आप अपना एक मीडिया, आप अपनी एक फोटो यहाँ पे ऐड करें और वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट में आएगा, फिर आप उसमें थोड़ी सी मिनिमली मिनिमलिस्ट एडिटिंग करके आप अपना जो क्रिएटिव है वो बना सकते हैं। अब जी भी जस्ट, अच्छा ये थोड़ा कम टाइम लेगा अपलोड होने में क्योंकि ये 1.7 MB की इमेज है। इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो वाले टॉपिक पे कि कैनवा पे आज हम किस तरह से स्लाइड शो वीडियो एडिट करेंगे, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। खैर सर, चलें जी, हो गया। यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, चलें जी। ये देखिए, ये एक रीडिंग वाली इमेज थी, ये एक लड़की जिसका हाफ हेड नहीं दिख रहा, जस्ट बुक और उसका कप दिख रहा है, तो ये हमारी इमेज थी। अब हम आते हैं अपने कैनवा डिज़ाइन पे, तो यहाँ पे देखें एक टेम्पलेट में यहाँ पे शो हो रहा है ये इस तरह से। एंड कुछ और टेम्पलेट्स भी यहाँ पे, जो इनमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है, देखें ये आपका फेसबुक कवर एक अच्छा बन सकता है। देखें यहाँ पे एक लड़की है, उसकी बुक भी अच्छी तरह से शो हो रही है। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो गया, माई टॉप 5 टिप्स स्टार्ट अ न्यू ऑनलाइन बिजनेस, नीचे फिट टैक्स, माने ये इसमें मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके इसको मैं अपने फेसबुक के लिए कवर पेज बना सकता हूँ। तो मीन्स वही बात जो मेरे लिए मिनटों का काम था वो अब यहाँ पे सेकेंड्स पे आ गया। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा टेम्पलेट है, इस पर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड जी इस तरह के, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल न्यू चीज़ है। और कैनवा में ये इस साल ही इंट्रोड्यूस कराई गई है 2023 में, तो उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने वीडियो के प्रोसेस की तरफ, कि आज हम जो अपनी क्लास में सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, हम आते हैं। तो मैं आता हूँ अनस्प्लैश में, और यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस सर्च करता हूँ, वो इमेजेस हो सकती हैं ट्रेवलिंग से रिलेटेड, ट्रेवल मैन कर देता हूँ।
ये इमेज सही है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड इस इमेज को, इस इमेज को भी एंड इस इमेज को भी, इस इमेज को भी, इस इमेज को भी एंड ये और ये। मैं इस इमेज को भी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ। इसको भी चलेंगे। अच्छा, ये इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है। अब ये डाउनलोड करके मैंने पीछे रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, कैनवा में इसको अपलोड के लिए रख देता हूँ और हम साइड में एक और काम करते हैं, क्योंकि इमेज हाई रेज इमेजेस है तो अपलोड होने में टाइम लेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपलोड होने के लिए रख देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपलोड, अपलोड सेक्शन। अब मैं ये सारी इमेज को यहाँ पे अपलोड होने के लिए रख देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे अपलोडिंग पे स्टार्ट हो गई। अब हम यहाँ पे अपना काम करते हैं। मैं आता हूँ अगेन कैनवा में। तो वीडियो की शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर आप अपनी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई क्लिप बनाना चाहते हैं बिजनेस के प्रमोशन के लिए, या अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कोई सर्विस देने के लिए, आप टीचर, आप अपने जो ट्यूशन सर्विस है उसको प्रमोट करने के लिए, एनीथिंग, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उसको जो ऑर्गेनिक वे है वो हमारा मार्केटिंग का वो ये है कि हम स्टेटसेस में लगाते हैं। डेफिनेटली स्टेटस में आप कुछ क्रिएटिव्स लगाते हैं, कुछ पोस्ट लगाते हैं, कुछ ग्राफिक्स लगाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की, वो करेंगे स्टेटसेस के लिए। मीन्स ये हमारा व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लिखूंगा व्हाट्सएप स्टेटस। ये कुछ व्हाट्सएप की जो स्टेटस का डायमेंशन होता है उससे रिलेटेड कुछ टेम्पलेट यहाँ पे मुझे शो करेगा। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए आप, ये सारे आपके वो हैं जो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बड़े आराम से लग सकते हैं, कि कोई भी जो साइड है वो नहीं कटेगी, एज इट इज ये लग जाएंगे। प्लस ये आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में बड़े आराम से लग जाएंगे और बहुत क्लियरली शो होंगे। इनमें से आप चेक कर सकते हैं जो आपके काम के हो, आप उस पर थोड़ी सी एडिटिंग करके अपने लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मुझे ये, अच्छा ये मैंने क्लिक किया, तो इससे रिलेटेड नीचे भी कुछ मुझे यहाँ पे मजीद शो होंगे। तो यहाँ पे देखें, फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। लोड होने में टाइम ले रहा है। चलिए जी, यहाँ पे ये लोड हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये सही है, कॉपी कर देता हूँ इसको। मैं नीचे ले आता हूँ, पेस्ट, क्लिक करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, कॉन्टैक्ट, और इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, ये एक प्रीमियर टेम्पलेट है, इंस्टेंट स्टेटस किस तरह से बनाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो क्लिक करें, तब तक हमारी वो इमेजेस वहाँ पे अपलोड हो गई होंगी, फिर हम उस पर वीडियो का काम स्टार्ट करेंगे। 0316 5334 एंटर।
address difference is 01 Karachi. That's it. यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसी पे राइट क्लिक करें, कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, बिल्कुल इसके अलाइनमेंट के साथ। फेसबुक यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड चलिए जी, ये इस तरह से मेरी एक क्विक पोस्ट मैंने बना दी। यहाँ पे मैं अपना जो है लोगो देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा लोगो पड़ा हो तो मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए सर, ये मेरा लोगो है, यहाँ पे आ गया, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अच्छा, मैं इसके बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिमूव नहीं करूँगा ताकि ये शो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रख देता हूँ एंड डन। ये मेरे एक इंस्टा वो व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए एक पोस्ट तैयार होगी। शेयर पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करें एंड डन, में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ओपन करें, ये देखें मेरा स्टेटस रेडी है, इसको लगाएं एंड डन। ये इंस्टेंट स्टेटस है। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो अगेन, हमारी जो मेन क्लास का एस्पेक्ट था। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये इंपॉर्टेंट थी, क्यों? क्योंकि ये चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, कमिंग क्लासेस में हम इनको भी कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दिया, आप इसको देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो मैं जाता हूँ अगेन होम पे, अब मैं यहाँ पे सिंपल एक कैनवस लेता हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने कैनवास ले लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका ये रूलर इधर कैसे आया, तो उसके लिए भाई आप जाएं इधर ये नेविगेशन बार में, फाइल में जाएं, यहाँ पे व्यू सेटिंग्स में जाएं, तो यहाँ पे देखिए शो रूलर एंड गाइड्स, इसको अनचेक कर दे तो ये शो नहीं हो रहा। फाइल में जाएं, व्यू सेटिंग में जाएं, इस पर क्लिक करें तो अब आपको देखें ये रूलर यहाँ पे शो हो रहा है। इससे ये होता है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि आप इस वक्त किस रेशो में, ये 100 से 100 की लाइन है, ये 200 से 200 की लाइन है, तो अलाइनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो उसके बाद अब यहाँ पे सिंपली मैंने जाना है अपलोड वाले सेक्शन में और एक इमेज यहाँ से ले लेनी है। आई थिंक मेरी वो इमेजेस अपलोड नहीं हुई, लेट्स सी।
जी हो गई, क्लिक करें, ये इमेज मेरी आ गई इस कैनवास पे। तो इसको मैं कुछ इस तरह से इसके अकॉर्डिंग रिसाइज कर देता हूँ इस तरह से। जी देखिए ये कुछ इस तरह, अब इसको बड़ा करें। डन। अब इसको अगर, अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं इस कैनवास, अब ये मेरी जो इमेज है वो बड़ी है लेकिन कैनवास में ये एडजस्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए मेरा कैनवास जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहाँ तक इमेज, उसके बाद इमेज शो नहीं हुई, जबकि ये इमेज का एक्चुअल साइज देखिए मेरे कैनवास से ज़्यादा है। देखिए ये कैनवास से ज़्यादा है, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो ये इमेज मुझे शो होगी। मैं उसके अकॉर्डिंग इसको रीसेट कर सकता हूँ, देखें इस तरह से इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सेट है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स में, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेक्टेंगुलर स्टिकर्स। ग्राफिक्स में तो इसमें सबसे पहले ये अर्थ वाला, इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे मेरे को चीज़ें ऐड करूँ कि ये ट्रेवलर है तो ये पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ, तो उसके लिए ये साइड में इस तरफ से सही। एंड नहीं, ये यहाँ पे मैंने बॉक्स सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स सेट करता हूँ, एड। यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैवलिंग मेक्स मी नॉलेज जस्ट हमने यहाँ पे गूगल से हम कुछ चीज उठा लेते हैं, कोट अबाउट ट्रेवलिंग। यहाँ पे देखिए एडवेंचर इज आउट, ये बड़ा जबरदस्त है लाइन, वन लाइन कोट है। इसको मैं कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो थोड़ा रिसाइज कर देते हैं इसका, मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, इसको कर देता हूँ इस तरह से डाउन। ये बॉक्स अब मैं इसका साइज थोड़ा सा ग्रेजुअली बड़ा करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। अब दोनों को मैंने जस्ट इसको मैं क्लिक करता हूँ, इमेज को मैं कर देता हूँ लॉक। अब मैंने दोनों को भी क्लिक किया, जस्ट
चलिए जी, ये ग्रुप हो गया, इनको ग्रुप कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद मैंने इफेक्ट, ये देखें यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है, एनिमेट पे क्लिक करें और यहाँ पे ये इस तरह से क्लिक करना है। चलिए जी, ये हमारी एक एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो गई। इसमें इसके बाद मैं अगेन एक और पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैंने एक और पेज ऐड किया और यहाँ पे मैं इसमें एक और इमेज को अपलोड कर देता हूँ। ये वाली नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा अपनी ये क्लाउड गैलरी में यहाँ पे पहले से इमेजेस अपलोड कर दूँ। बट बेसिकली ये आपके सामने मैं से डाउनलोड करता हूँ ताकि आपके सामने ये पता चले कि मैं जो वेबसाइट आपको बताई है मैंने उसी से मैं उसी टाइम डाउनलोड करता हूँ और उसी टाइम यूज़ करता हूँ। जी, ये एक बार अपलोड हो जाए, ये अपलोड हो गई, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे अपने इस पेज में ऐड कर देता हूँ इसको भी। चलिए जी, यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब सेम यही, सो राइट क्लिक करें, कॉपी करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट करें। यहाँ पे यर्स का सिंबल आ गया। एंड अब जाएंगे हम एलिमेंट्स में, यहाँ पे स्टिकर्स लिखता हूँ मैं जस्ट। ऐसे मैं देखता हूँ कुछ ट्रैवलिंग वाले अगर स्टिकर्स मुझे मिल जाते हैं वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐड कर दिया मैंने। एंड ये एक रेटिंग का एक स्टिकर है, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ। स्टिकर बॉक्स, चलिए जी, एक और स्टिकर बॉक्स यहाँ पे आ गया। इसको मैं छोटा करके इधर ले आता हूँ, गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कोट उठा लेता हूँ। टेक ओनली मेमोरीज, लीव ओनली फुटप्रिंट्स, कंट्रोल सी, एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूँ एंड इट्स ओके। यहाँ पे मैं इसमें अपना टेक्स्ट पुट करता हूँ, उसको मैं साइज यहाँ पे 30 कर लेता हूँ। देन
फोन चेंज कर देता हूँ। ओके गुड। अब इसके बाद इसको एनिमेशन देंगे, अभी क्लिक करें एनिमेट नीचे। जो एनिमेशन ज़्यादा मुझे बेहतर लगेगी मैं वो इसका ऐड कर दूंगा। ये बेस्ट है। अब इस शेप पे चलिए, ये बेस्ट है। अब इसके बाद इस पे, अच्छा ये दो स्लाइड मैंने ऐड किया, आप इसमें मल्टीपल स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें 6, 7, 8 जितनी आपकी इमेजेस हैं। तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ नीचे ऐप्स में। यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे आप, मुझे यहाँ पे कुछ स्टॉक और म्यूजिक चाहिए। ऐप्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे इस म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपिक म्यूजिक। देखिए यहाँ पे कुछ म्यूजिक, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये म्यूजिक आप सुन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ एक बार प्रीव्यू। देखिए मेरी वीडियो लोड हो रही है। देखिए तो इस तरह से कुछ फोटोज को लेके उसमें कुछ स्टिकर्स ऐड करके, इस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट करके हम एक अपनी पिक्चर से वीडियोस बना सकते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको बताना था कि किस तरह से इसमें हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप इससे बहुत बेहतर जो है वो अपनी स्लाइड शो वीडियोस बना सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे MP4 पे सिलेक्टेड रहना चाहिए, MP4 है डाउनलोड। और अब जी मैं आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ, तो आपके जो क्वेश्चन है वो वन वन आप पूछ सकते हैं। चलिए जी आपकी चैट ओपन है। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी इंफॉर्मेटिव, मुझे जबरदस्त जबरदस्त जी, अमेजिंग लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, सर सेशन। सर फेसबुक नहीं चल रहा जी, फेसबुक नहीं चल रहा तो आप VPN यूज़ करें। VPN यूज़ करके फेसबुक आप चलाएं। सर ये मोबाइल पे से भी बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, मोबाइल में भी कैनवा पे बन सकती है। क्लास नंबर 5 हमारी है जिसमें मोबाइल पे हम क्रिएटिव बनाना सीखे हैं। सर अपनी पिक का बैकग्राउंड रिमूव करना, वो मैं भी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। वो भी मेरे को विद इन सेकंड का काम है। सर पेज ऐड आपने किस तरह किया था? अच्छा पेज मैंने किस तरह, ये देखिए आप यहाँ पे ये आइकन देख रही हैं, ये ऐड पेज, ये आपका कैनवस है। यहाँ पे ये लॉक है, इससे आपका पेज लॉक हो जाएगा। इससे किस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये मूव नहीं करेगा। ये डुप्लीकेट का आइकन है सेकंड वाला,
ये डिलीट का आइकन है और ये ऐड पेज, ये ऐड पेज पे मैं क्लिक करता हूँ और देखें तो यहाँ पे नीचे एक न्यू पेज आ जाएगा, इस पर क्लिक करता हूँ ये डिलीट हो जाता है। तो ये इस तरह से मैंने ऐड किया था। यहाँ पे देखिए मेरी ये वीडियो डाउनलोड हो गई, इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ देखता हूँ, ये देखें। मेरे टेक्स्ट का साइज छोटा छोटा रखा है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितने आप एलिमेंट ऐड करना चाहो उतने एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं, और फिर इसको जहाँ आप पोस्ट करना चाहो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, बट डायमेंशन का आपने ख्याल रखना है। जी, क्वेश्चन रिपीट नहीं कीजिएगा, आप एक बार क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं उसको फिर आंसर करूँगा। सर, दो चीज़ों का ग्रुप कैसे करना है? जी, मैंने बता देता, आपने इस तरह से सिलेक्शन बनानी है, सिलेक्ट करके माउस से अपने होवर करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना है। सर, अमेजिंग लेक्चर सर, हम रिक्वायर्ड एलिमेंट लगा सकते हैं? जी, बिल्कुल लगा सकते हैं एलिमेंट, आप जो यहाँ पे सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, असाइनमेंट रेडी है, कहाँ शेयर करें? जी, आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट का, ताकि मैं एक बार रिव्यू कर लूँ, और दूसरा अपने फेसबुक के ग्रुप में अपलोड करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। रिज्यूमे कवर लेटर, जी ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा, रिज्यूमे कवर लेटर। सर, मैजिक डिज़ाइन में सिर्फ एक इमेज आ रही है, वो भी हम देखेंगे, वो भी हमारा लेक्चर नंबर, वो बल्कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है मैजिक डिज़ाइन। असाइनमेंट कब सबमिट करवा सकते हैं? जी, इट्स अप टू यू, बट कोशिश करें कि आप क्लास के नेक्स्ट डे जमा करवा दें, बट अगर इंटरनेट का या लाइट का इस तरह का इशू ना हो तो। सर, सी डी टेक्स का बता दें? जी, वो भी लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, टेक्निक कुछ हम एडवांस टेक्निक देखेंगे। सर, अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं? जी, वो भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड चीज़ें मैं, आप जो मुझे बता रहे हैं चीज़ें मैं नोट करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंप्लीमेंट करता हूँ। जैसे अभी वीडियो का सेशन था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे, एक मैजिक ट्रिक थी, दूसरा बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस का पूछ रहे थे। सर, लेक्चर में ब्लीडिंग एरिया कैसे कवर किया था? जी, वो ब्लीडिंग एरिया मैंने सर्च किया था, मैं यहाँ पे फाइल में गया था, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे व्यू सेटिंग, व्यू सेटिंग में ब्लीड एरिया, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई, वो हमारा ब्लीड एरिया था। सर, आज कुछ खास समझ नहीं आया, मुजम्मिल शिदाती, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको आ जाएगा। आपने लिंक नहीं भेजी वीपीएन की? अच्छा, प्ले स्टोर से आप वीपीएन, सुपर वीपीएन के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स सर, ग्रेट, थैंक यू सर। टेम्पलेट पर प्रो वाला ऑप्शन आ रहा है, ये हमको पेड करेगा? नहीं, नो इशू, आपके पास जो अकाउंट है इसमें आइकन बेशक है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, ग्रुप का ऑप्शन मोबाइल पे आ सकता है? जी, बिल्कुल आ सकता है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह कमिंग क्लास में। सर, सिर्फ पिक्चर में स्टिकर एड और म्यूजिक लगा के ये वीडियो बन सकती है क्या? जी, ये स्लाइड शो वीडियो है, स्लाइड शो वीडियो मतलब बेसिक वीडियो जिससे हम बनाते हैं ना, हमारे पास कोई शादी की पिक्स होती है, अब मैं जाहिर सी बात है कि पर्सनल पिक्स अब यूज़ कर नहीं सकता, ना कोई अपनी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने कुछ स्टॉक इमेज उठाई है, मैंने दो उठाई, अब 10 12 15 उठाए, उसकी कोई इस तरह से ऊपर, फॉर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के 10 खूबसूरत तरीन मकाम, उनके ऊपर उनके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, साइड में उनके आइकन्स लिखते हैं कि कराची में कौन सी जगह मशहूर है, नारायण कागर में कौन सी जगह मशहूर है, लाहौर, इस तरह से। सर, इमेज पेज के साइज को कैसे सेट करेंगे? इमेज पेज के साइज को जी दो तरीकों से कर सकते हैं, पहला आप यहाँ पे रिसाइज में जा के सेट कर सकते हैं, रिसाइज में जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये वो ऑप्शन आप जो आप पूछ रहे हैं, सारी वो चीज़ें जो एडवांस टेक्निक आप सीखेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट लेक्चर सर। ऑडियो इफेक्ट अकॉर्डिंग टू वीडियो कैसे फाइन होती है? जी, वो ये ऑटोमेटिकली इसका एल्गोरिथम सेट कर देता है। सर जी, हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं कैनवा पे? जी, जो हमने अपनी वीडियो बनाई है हम उसको भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से एडिट नहीं होती जिस तरह फिल्मोरा बाकी सॉफ्टवेयर में, हम ये एडिटिंग कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ स्टिकर, कुछ ऐड, कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम के हम क्या क्या बना सकते हैं? एग्जाम्पल रील, कैरोसेल, स्टोरी? जी, बिल्कुल सब बना सकते हैं। सर, कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? बिल्कुल अपलोड हुआ है, आप लिंक पे चेक करें। सर, ऑडियो इसमें कॉपीराइट फ्री है? जी, बिल्कुल सारी ऑडियोज कॉपीराइट फ्री है। सर, मैजिक डिज़ाइन में सिर्फ एक इमेज आ रहा है? जी, वो मैं आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सर, वर्ल्ड वाला स्टिकर जो है वो खुद ही मूव करेगा? जी, बिल्कुल, वो जिफ इमेज है, और इस तरह के भी बहुत सारे स्टिकर्स हैं। सर, टेम्पलेट्स का कलर चेंज ना करें तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं, आप ना करें बेशक। सर, जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के नेम पता चल सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल, आप क्लिक करेंगे तो उनके नाम भी साइड में शो हो रहे होते हैं। मैजिक ट्रिक इज सो क्रिएटिव, थैंक यू सानिया।
सर रिज्यूमे और कवर लेटर का भी बताइएगा जी, बिल्कुल ये भी बताऊंगा। आयशा मैंने आई थिंक बता दिया, अंबर फैसल, इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या बने, ये भी मेरे सवाल का, सवालों को रिपीट ना करें आप। सर गूगल से डायरेक्ट पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जी, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैं उसको कभी रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, इमेज में ग्लिच आ सकती है और इमेज आपकी प्रॉपर एस्पेक्ट्स में नहीं आती, तो हमेशा डाउनलोड करके फिर अपलोड करें, ये प्रॉपर वे, इस तरह से आपके क्लाउड में भी वो रह जाती है। सर एफ बी पे पोस्ट करने के लिए क्या डायमेंशन रील्स के लिए और पोस्ट के लिए होनी चाहिए जी? देखिए रील्स की हमारे पास जो बेस्ट डायमेंशन है जो मैं समझता हूँ, वो हमारे पास फिलहाल 1080x9020 फॉर मोबाइल, ये एस्पेक्ट्स आपके चेंज हो सकते हैं टैबलेट और लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए। सर रील्स बना सकते हैं जी, बिल्कुल इंस्टाग्राम की रील भी बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह 10 मिनट का, उसका भी एक लेक्चर में एक पार्ट सेट करूंगा। सर इमेज के साइज को कैसे सेट करते हैं जी, वो मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे रीसाइज में जाएंगे, रीसाइज में आपने क्लिक करना है, अपने डायमेंशन विड्थ एंड हाइट देनी है, एंड रीसाइज पे आपने क्लिक कर देना है। सर मोबाइल से पेज साइज क्या सिलेक्ट कर सकते हैं जी? बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। सविता बार बार अगेन अगेन सवालों को जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें। असिस्टेंट कब तक सबमिट, असाइनमेंट कब तक सबमिट कर सकते हैं जी? वही मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे करते तो बेस्ट है। सर साउंड का इशू बहुत आ रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ क्लियर कर दे, क्या मेरी वॉइस क्लियर है या साउंड का वाकई में इशू आ रहा है? जी मैं जायशा, सवाल पूछिए आपने सर लिखा है। सर अपने पोस्ट में फोन जो यूज़ कैसे वो सही बताएं, उनको जज कैसे करें जी? रिसर्च पे गूगल में आप लिखें कि बेस्ट फोन कॉम्बिनेशन, तो आपको गूगल भी कुछ सजेस्ट करता है। मैजिक ट्रिक का ओवरव्यू अगेन प्लीज, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर सेम आपके वाले या असाइनमेंट बनाना है, कुछ चेंजिंग? बिल्कुल चेंजिंग तो ज़रूर करें, ये आप सिर्फ प्रस्पेक्टिव इसका रखें, आइडिया रखें, बनानी आपने इससे अलग है। अच्छा हमें सविता, आप जो है अगेन एंड अगेन सवाल को रिपीट कर रही है, तो ये ना करें, नेक्स्ट टाइम फिर ये होगा मैं आपको सेशन में अलाउ ही नहीं करूँगा। सो बी केयरफुल। टेम्पलेट वगैरह चेंज कर सकते हैं जी? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सर मेरी सिस्टर को लिंक नहीं मिला जी, इसके लिए आप सपोर्ट से बात करें। सर गूगल से डायरेक्टली पिक्चर ओके। सर बैकग्राउंड का बता दें पर्सनल जी, बिल्कुल मैं इसका भी बता दूंगा। सर आपने जो ट्रिक बताई है उसमें एक इमेज आ रही है जी, बिल्कुल हम एक ही इमेज पे अपने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बना के देख सकते हैं, वो प्रीमेड टेम्पलेट बन के आ जाती है। जैसे पिक्चर एड करके वीडियो बना सकते हैं। सर मेरी फर्स्ट क्लास है आपके साथ, पिछली वाली क्लास है जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। सर जी मैं इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ जी अपने अपलोड वाले सेक्शन में, इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस इमेज पे इसके साथ चलेंगे। मैं एक न्यू यहाँ पे जो है कैनवास ले रहता हूँ, ये मेरा न्यू कैनवास है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी इमेज आ गई, इमेज पर क्लिक करता हूँ, एडिट फोटो में जाता हूँ, यहाँ पे बीजी रिमूवर, इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा जी। बैकग्राउंड रिमूव इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कोई इसकी बेल लगी हुई है, कोई टाई लगी हुई है, कुछ इस तरह से लगी हुई है, आप इस पे जाएंगे तो ये यूज मैजिक रेजर, यूज मैजिक रेजर जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए देखा आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके यहाँ पे ग्लासेस पे करता हूँ। ये मेरे माउस को अचानक क्या हो गया, आई डोंट नो, ये मेरे माउस को अचानक क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ही लोड कराते हैं।
यहाँ पे ये लोड हो रहा है, देखते हैं ये क्या करता है, ये इसका चेहरा गायब कर देता है या चश्मा गायब कर देता है। ये ब्रश के साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं कुछ नहीं किया, अगेन ट्राई करते हैं। बहरहाल मैजिक रेजर का अपना एक टॉपिक है तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ जी वेलकम। तो शो मोस्टली वीपीएन यूज कर रहे हैं, सिर्फ वीपीएन से वाईफाई कनेक्ट हो सकता है? नहीं जी, वो डेटा से भी हो सकता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।